किसी डायाटॉमिक मॉलिक्यूल को नॉन रिजिड रोटेटर मानते हुए आप उसके एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा को कैसे रैशनलाइज करते हो और इसमें सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायाटॉमिक मॉलिक्यूल एज नॉन रिजिड रोटेटर। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायाटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर क्या पढ़ना आपने भाई, डायाटॉमिक नॉन रिजिड रोटेटर विद हार्मोनिक ऑसिलेशन। फिर क्या है, डायाटॉमिक नॉन रिजिड रोटेटर विद एन हार्मोनिक ऑसिलेशंस, और लास्ट में क्या है, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल या एक्सपेरिमेंटल माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम। देखो भाई, इससे पहले आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का आपने स्पेक्ट्रा पढ़ तो लिया है, लेकिन आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल का आपने क्या माना था, एक रिजिड रोटेटर, इजंट इट? ठीक है। और आपने एक बात देखी भाई, आप तो ये कह रहे थे ना कि एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम कैसा आया करता। आप तो ये बोले भाई कि डायटोमिक मॉलिक्यूल का एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम क्या था, ऐसे लाइंस आई थी ना, इंटेंसिटी बढ़ती गई और फिर क्या होगी, घटती गई। और आप बोले भाई ऐसा ही हमारे पास किससे आ जाएगा, डेल्टा न्यू बार जे से, किससे भाई बताओ, 2b into j+1। आप बोले भाई ये बताओ भाई, स्पेक्ट्रल लाइंस की ये पोजीशन किसने की है प्रिडिक्ट, जब आपने डायटोमिक मॉलिक्यूल आपने क्या माना था, एक रिजिड रोटेटर, और यहां से आपको पता आपने जे की वैल्यू क्या पुट की, 0, तो क्या आएगा, 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b। हमारे पास ऐसे भाई स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी ना, तो उनमें स्पेसिंग क्या होगी हमारे पास, 2b। तो आपने भाई अभी तक आपने बोला था कि इससे थ्योरेटिकल स्पेसिंग भी क्या होगी, कांस्टेंट, 2b, और एक्सपेरिमेंटल स्पेसिंग भी क्या होगी, कांस्टेंट थी भाई, तो ये मान रहे थे ना। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, ठीक है, तो इसने भाई बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दिया था ना, लेकिन जब आपने एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को बहुत ध्यान से देखा, जब आपने भाई एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम को बहुत ध्यान से देखा, तो ये मालूम पड़ा भाई कि यहां पर जो स्पेसिंग है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट, वास्तव में ये स्पेसिंग भी कांस्टेंट नहीं है, ये स्पेसिंग क्या होती, लगातार घटती है, ये स्पेसिंग भाई लगातार क्या होती है, घटती है। यानी कि पहली, यानी कि 2b वाली, यानी कि भाई पहली स्पेक्ट्रल लाइन और अगली स्पेक्ट्रल लाइन में गैप क्या है, ज्यादा, अगली में गैप क्या है, और कम, अगली में गैप क्या और कम, अगली में गैप क्या और कम। यानी कि अगर मैं इसको भाई, अगर मैं इस इफेक्ट को थोड़ा सा भाई, अरे इसको भाई थोड़ा सा एक तरह से, अरे भाई एनहेंस कर दें इस इफेक्ट को, तो क्या देखने को मिलेगा आपको भाई, कि लाइंस बताओ क्या होंगी भाई, बताओ क्या होगी लगातार, अरे भाई कन्वर्ज क्या हो रही लगातार ये, हालांकि ये इतना कन्वर्ज नहीं होगा, लेकिन थोड़ा आपको आइडिया होगा भाई कि दो सक्सेसिव लाइंस का गैप लगातार क्या होता है। मैंने इफेक्ट को थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के लिख दिया भाई, अतिशोक्ति अलंकार, नहीं बात आपको पले पड़ी भाई, ठीक है। तो अब आप बताओ भाई, अगर आप क्या मानते हो, यानी कि एक्चुअल स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अगर आप एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा डायटोमिक मॉलिक्यूल का शुभम उसको बहुत ध्यान से आप एनालाइज करते हो, तो क्या होता भाई, स्पेसिंग भी लगातार क्या होती, बताओ भाई, कम होती, इजंट इट? बोलो भाई। लेकिन हमारा जो भाई मॉडल है कौन सा, रिजिड रोटेटर का, वो बताओ क्या होता है, कि स्पेसिंग क्या होनी चाहिए लगातार भाई, कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए। तो भाई हम क्या बोलेंगे कि डायटोमिक मॉलिक्यूल, जब आपने क्या माना है, रिजिड रोटेटर, तो वो इस घटना को एक्सप्लेन नहीं कर सकता भाई कि ये स्पेसिंग कम कैसे होती चली गई, क्योंकि एक्चुअल में स्पेसिंग क्या होती है, कम होती है, लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल, अब आपने क्या माना रिजिड, तो कैसी प्रिडिक्शन आती है, इक्वली स्पेस्ड, इजंट इट? ठीक है बात। तो इसको आपने भाई एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है। तो बात आपको पहले पड़ेगी कि एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम पीक क्या होगी भाई, घटेगी। अच्छा, पीक घटने मतलब क्या, आप इसका भाई कॉन्सिक्वेंस देखो, इसका भाई कॉन्सिक्वेंस देखो भाई, अगर एग, आप बताओ, आप दो सक्सेसिव लाइंस का गैप हाफ करके आप क्या निकालते हो, बी निकालते हो ना भैया, आपने जब क्या पढ़ा था, स्पेक्ट्रा ऑफ रिजिड रोटेटर,
तो आप दो सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस का जो गैप है उसका हाफ करके आप क्या निकालते हो बताओ भाई, रोटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि दो सक्सेसिव लाइंस का गैप लगातार घटता है तो इसका हाफ भी लगातार क्या भाई, अगर ये गैप लगातार घटता गया, अगर सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस का गैप लगातार कम हो रहा है तो क्या रोटेशनल कॉन्स्टेंट भी इनका हाफ भी कम होएगा भाई, यानी रोटेशनल कॉन्स्टेंट भी क्या होना चाहिए बताओ भाई। तो ये कहां से अराइज हुई है, J0 से, ये J1 से, ये J2 से, ये J3 से, ये J4 से, पता होगा ना आपको भाई। तो J0 से, J1 से, J2 से, J3 से, तो भाई तो B लगातार, अरे भाई B यहां पर लगातार क्या होगा, कम होएगा ना, isn't it? अब B कम सिर्फ कैसे हो सकता है बताओ, B का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, B इज इक्वल टू H अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी होता होगा। तो अगर एक्सपेरिमेंटली सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस का गैप लगातार घटता है, इसका मतलब भाई रोटेशनल कांस्टेंट लगातार घटता है ना हायर लेवल्स के अंदर, क्योंकि ये ट्रांजिशन कहां से शुरू होती है, हायर लेवल से। अगर भाई सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस का गैप लगातार घटता है तो इसका हाफ भी घटेगा, हाफ मतलब भी यानी रोटेशनल कांस्टेंट लगातार क्या हो रहा है भाई, घट रहा है। जितना हम हायर लेवल में जा रहे हैं, जितना आप हायर रोटेशनल स्टेट में जाते हो, रोटेशनल कांस्टेंट घट रहा है ना, बोलो भाई। तो आपने देखना है कि रोटेशनल कांस्टेंट की इस घटोतरी को, इस डिक्रीज को कौन डिक्टेट कर रहा है बताओ भाई, कौन इसे कंट्रोल करता है। तो आप एक बार बी का थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन रिकॉल करो भाई, बताओ क्या होता है, ये होता ना। अब आपको पता है बी घटता है भाई, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है कि बी क्या होता है यहां पर घटता है। तो एच तो भाई कम नहीं हो सकता, एच तो क्या प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, आठ का भाई सात तो बनेगा नहीं, आठ ही मेरे ख्याल से आठ ही रहता है, पाई भी बोलो भाई, और रिड्यूस्ड मास भी ना बदले और वेलोसिटी ऑफ लाइट बदले भाई। तो बी घटने का मतलब है क्या, तो शक की सुई सिर्फ किसके ऊपर जा रही भाई, इस आर के ऊपर, मतलब होना हो ये बी किस वजह से घटा, तो भाई आर की वजह से। लेकिन आप बाउंड क्या मान रहे हो, यानी कि बी अगर घट, यानी अगर मान लिया, यानी अगर हायर जे लेवल्स में लगातार बी क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई। अगर हायर जे लेवल्स में जा रहे हैं तो लगातार बी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो होना हो भाई हायर जे लेवल्स में जाने पर आर क्या होता होगा, आर पक्के होता घटता होगा ना, सॉरी आर बढ़ता होगा पक्का बात भाई। अरे भाई अगर बी घट रहा है बोलो भाई, तो आर की वैल्यू लगातार क्या हो रही बताओ भाई, बढ़ती होगी ना। अब आप बॉन्ड को आप क्या मान रहे थे, रिजिड। अरे भाई डायटोमिक मॉलिक्यूल का जब आपने कौन सा मॉडल लिया था, रिजिड रोटेटर मॉडल, तो आपने बॉन्ड क्या माना था, रिजिड। तो उसके अकॉर्डिंग तो आर कभी भी भाई चेंज नहीं होगा, लेकिन आर एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर बी घट रहा है तो पक्की बात कौन भाई, आर बढ़ रहा है। अगर आर बढ़ रहा है तो यहां से बात प्रूव होती है कि बॉन्ड जो हमने क्या माना था, रिजिड, वो बॉन्ड रिजिड नहीं है, होना हो बॉन्ड पक्का क्या है, नॉन रिजिड। क्या ये बात कंफर्म्ड हुई, ठीक है। तो एक बात तो यहां से प्रूव होगी कि बॉन्ड पक्की बात क्या है, नॉन रिजिड। अब मैं आपको बताऊं भाई, बॉन्ड को नॉन रिजिड मानने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं, बताओ कौन कौन से भाई। एक तो क्या है, बॉन्ड इज नॉन रिजिड और भाई हार्मोनिक वाइब्रेशंस के साथ, क्या भाई, भैया आपने तो क्या माना बॉन्ड को नॉन रिजिड विद हार्मोनिक वाइब्रेशंस, और एक बॉन्ड को नॉन रिजिड विद बोलो भाई एन हार्मोनिक वाइब्रेशन। अब देखो बॉन्ड को नॉन रिजिड मानने के भी क्या होते हैं, दो तरीके। एक तो क्या होते हैं कि आप क्या मान लो बॉन्ड कैसा है, नॉन रिजिड। अगर नॉन रिजिड है और हमको पता है मॉलिक्यूल में एक और कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशन। और आपको पता है भाई अगर आप मॉलिक्यूल क्या मानते हो, रिजिड। अगर आप मॉलिक्यूल क्या मानते हो, एक रिजिड रोटेटर, आप मानते हो कि बॉन्ड लेंथ फिक्स है भाई, तो वाइब्रेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो इसको भाई नॉन रिजिड मानोगे, इसका मतलब आपने मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा भाई, और मॉलिक्यूल की वाइब्रेशन वाला कॉन्सेप्ट दो तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। एक तो क्या कि आप क्या मानो कि मॉलिक्यूल का बॉन्ड क्या है, नॉन रिजिड। भाई बॉन्ड कैसा है, नॉन रिजिड। भाई नॉन रिजिड क्यों मान रहे हैं, ताकि हम आर के बढ़ने को अलाउ कर सके, ठीक है बात। लेकिन नॉन रिजिड मानने पर हमारे पास दो तरीके हैं, क्योंकि नॉन रिजिड मानते ही हम भाई किसको, हमको इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, वाइब्रेशन को। तो एक तो आप क्या मानो कि बॉन्ड नॉन रिजिड है, लेकिन कैसा, हार्मोनिकली। हार्मोनिक वाइब्रेशन क्या होती है, जब एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन दोनों क्या हो, बराबर।
अगर भाई एक्सटेंट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो अगर मान लिया कोई स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग मान लिया, अगर उसकी बॉन्ड उसकी लेंथ क्या है 10, अगर आप उसको 8 और 12 के बीच में आप बोल रहे भाई 8 12 8 12, अरे बोलो भाई इजंट इट, तो अगर भाई 8 और 12 के बीच में तो क्या होता है कंप्रेशन और एक्सपेंशन, तो हम क्या बोलेंगे कि ये भाई किस तरह की वाइब्रेशन है, हार्मोनिक वाइब्रेशन, इजंट इट, ठीक है। तो भाई आप समझिए ना कि आपने बॉन्ड क्या मांगा नॉन रिजिड, और आपने भाई इसका मतलब इसमें क्या ऐड करना है वाइब्रेशन, तो एक तो ये कैसा हो नॉन रिजिड हो विद हार्मोनिक वाइब्रेशन, और एक क्या हो एन हार्मोनिक वाइब्रेशन, तो हम दोनों का इफेक्ट देखेंगे कि कौन सा भाई इस बढ़ी हुई आर को एक्सप्लेन कर सकता है। भाई हमने चेक करना पड़ेगा ना कि कौन सा इफेक्ट इस बढ़ी हुई आर को एक्सप्लेन कर सकता है, इजंट इट, बोलो भाई। तो अच्छा एन हार्मोनिक वाइब्रेशन क्या होंगी, जब कंप्रेशन क्या हो कम और एक्सपेंशन क्या हो ज्यादा, आपको पता होगा भाई किसी बॉन्ड को किसी भी स्प्रिंग को कंप्रेस करना क्या होता है मुश्किल, एक्सपेंड करना क्या होता है भाई इजी होएगा, बात आपको पहले पड़ी, कंप्रेशन मुश्किल होता है एक्सपेंशन क्या होता है इजी होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे अगर कोई स्प्रिंग है 10 लेंथ का तो उसको 8 और 13, तो कंप्रेशन क्या है 2 का एक्सपेंशन क्या है 3 का, तो हम क्या बोलेंगे अगर कोई स्प्रिंग भाई 8 से 13 के बीच में क्या कर रहा है कंप्रेस और एक्सपेंड, तो हम क्या बोलेंगे क्या ये एन हार्मोनिक ऑसिलेटर, इजंट इट, ओके। तो भाई ठीक है, तो आपने भाई इस घटती हुई स्पेसिंग को घटती हुई, अरे भाई दो सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस की स्पेसिंग लगातार घट रही है, इसका मतलब तो की बात क्या है बी की वैल्यू घट रही है, बी की वैल्यू घट रही है तो आर क्या है लगातार बढ़ रहा है, आर बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड क्या है नॉन रिजिड, तो आपने इस बढ़ती हुई आर को एक्सप्लेन करना है, या आपने भाई इस घटती हुई वैल्यू को एक्सप्लेन करना भाई, ठीक है बात। तो बताओ आप इसको भाई कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो बताओ, तो पहले तो आपने बॉन्ड क्या मानना है, तो पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ भाई, पहले हम ये नॉन रिजिडिटी इनकॉर्पोरेट करेंगे हार्मोनिकली, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं डायटोमिक नॉन रिजिड रोटेटर विद हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो देखते हैं भाई क्या हार्मोनिक ऑसिलेशन से इस घटते हुए इंटर लाइन स्पेसिंग को भाई एक्सप्लेन किया जा सकता है क्या, ये चेक करते हैं। तो आप एक बात मानो, मान लिया हमारे पास, अच्छा पहले तो बी की आर के ऊपर डिपेंडेंस क्या होती है, बी की आर के ऊपर डिपेंडेंस क्या होती है बताओ भाई 1/r² से होती है, तो आप बॉन्ड क्या मान के नॉन रिजिड, बॉन्ड को आप क्या मान के भाई नॉन रिजिड, ठीक है। और इसमें क्या, तो जैसे आप बॉन्ड क्या मानोगे नॉन रिजिड, तो आपको पता है भाई इसमें अगर क्या और खी है कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है। तो बताओ भाई जो अगर मान लिया हार्मोनिकली ऑसिलेट कर रहा है तो इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा बार क्या है इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, बताओ क्या होगी मेरे पास, ये होगी मेरे पास 1/2πc√kμ, 1/√π, अरे भाई ये क्या होती है हमारे पास किसी भी ऑसिलेटर की इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और अगर आप ये कह रहे हो कि इसके अंदर क्या है हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो भाई आपने ये कंसिडर तो करना पड़ेगा कि भाई उसकी इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है, इजंट इट। अब आप ये मान लो भाई कि ये कंप्रेस, मान लिया बॉन्ड की लेंथ क्या है 0.1 नैनोमीटर, आप क्या मान लो भाई कि बॉन्ड की लेंथ क्या है 0.1 नैनोमीटर बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। अब आप इसमें मानो भाई कि कंप्रेशन और एक्सपेंशन कितना है 0 ± 0.01 क्या है इसमें कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन, भाई आप क्या मान लो, आप ये बताओ इसके अंदर कंप्रेशन और एक्सपेंशन बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई बताओ हमारे पास यहां पर भाई कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या होगा हमारे पास 0.01 बोला, तो कंप्रेस होकर क्या बनेगा ये मुस्काना बेटा बताओ 0.1 नैनोमीटर को आपने 0.01 कंप्रेस कर दिया क्या बन जाएगा ये 0.09, और आपको भाई एक्सपेंड क्या हो जाएगा बोलो भाई 0.11, तो आप ये कहोगे इससे क्या दिक्कत है अगर कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या है एक सा है, तो अगर ड्यूरिंग रोटेशन, अगर ड्यूरिंग भी पहले हम क्या मानते थे कि मॉलिक्यूल सिर्फ घूमता है, अरे बोलो भाई क्या काम है वो वाइब्रेट करते करते, बोलो पहले क्या सिर्फ वो, अरे बोलो भाई बताओ पहले तो सिर्फ क्या वो घूमता, अब क्या बताओ ये बोलो भाई वाइब्रेट करते 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 वो घूमता है, इजंट इट,
ठीक है, एक भी डांस स्टेप ये भी आ गया, इजंट इट, और कुछ ना है ना पार्टी में, कोई सोचे भाई, कोई सोचा इसको भाई क्या बोलते हैं, कोई दौरा वगैरह तो नहीं आ गया, ओके तो बताओ साले पता नहीं, तो आप बताओ कहोगे भाई अगर ये रोटेट करते तो क्या करता भाई, वाइब्रेट करते करते क्या करता है, घूमता है, तो आप कहोगे भाई दिक्कत क्या है, अब आप यहाँ पर आर क्या पुट कर दोगे, बोलो आप कहोगे आर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि आप कहोगे कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड बोन लेंथ, तो आप आर एवरेज कैसे निकालोगे भाई, आपको फॉर्मूले हमने क्या पुट करनी है, आर एवरेज, तो हम क्या करें, हम दोनों को हम भाई जोड़ के और दो से भाग कर देंगे, तो 0.9 और 0.11 कितना है मेरे पास आर एवरेज, 0.1 ही आ गया, इसका मतलब तो क्या हुआ, अगर रिजिड था, अगर मैं 0.1 नैनोमीटर के बॉन्ड क्या बनता, तब तो यहां पर क्या पुट होनी थी, 0.1 पुट होनी थी भाई, अब मैंने सिर्फ तो क्या मान लिया कि मैं इसको क्या मान रहा हूं भाई कि हार्मोनिकली क्या कंप्रेस और एक्सपेंड, तो 0.9 और 0.09 और 0.11 हो गया ना भाई, तो आपको इससे क्या दिक्कत है, अभी भी एवरेज क्या मेरे पास, लेकिन भाई याद रख क्वांटम मैकेनिक्स में हम ऐसे एवरेज पुट नहीं करते, आपने यहां पर 1 बाई क्या पुट करना है, आर स्क्वेयर एवरेज, आर आपने ऐसे आर एवरेज निकालना है, क्वांटम मैकेनिक्स में भाई हम आर एवरेज कैसे निकालेंगे, अगर यहां पर क्या पुट रखा है, अगर यहां पर क्या पुट रखा बताओ भाई, 1 बाई आर स्क्वेयर, तो आप 1 बाई आर स्क्वेयर एवरेज ही निकालो, आप 1 बाई आर स्क्वेयर एवरेज निकालो, मतलब आप 0.09 और 0.11 को जोड़ के दो से भागना, क्योंकि भाई बी की डिपेंडेंस आर के ऊपर नहीं है, बी की डिपेंडेंस क्या 1 बाई आर स्क्वेयर पे, तो आपने 1 बाई आर स्क्वेयर आपने एवरेज पुट करना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है 1 बाई आर स्क्वेयर, बोलो भाई इसका मतलब क्या है, क्या आपने तो क्या करना पड़ेगा कंप्रेस्ड बॉन्ड लेंथ के रेसिप्रोकल का स्क्वेयर, मतलब 1 बाई 0.09 का स्क्वेयर, अरे बोलो भाई 1 बाई 0.09 का स्क्वेयर प्लस 1 बाई 0.11 का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2, नहीं बात आपको पहले पड़ी, ऐसे बताओ मेरे पास क्या जाएगी, नहीं आपको समझ आया, अगर भाई क्लासिकल वर्ल्ड होता तो हम सिंपली बताओ क्या बोलते, बताओ अगर मान लिया 0.1 बॉन्ड लेंथ एक्सपेंड कंप्रेस कर रही है, बताओ क्या 0.11 और 0.09 के बीच में, तो हम क्या बोलते इसको कि दोनों जोड़ के दो से भाग कर दिया, लेकिन भाई आपने यहाँ पर आर एवरेज नहीं, आपने 1 बाई आर स्क्वेयर एवरेज पुट करना पड़ेगा भाई, तो वो बताओ कैसे आएगा हमारे पास, तो आपने जोड़ के दो से भाग करना ना, तो 1 बाई आर स्क्वेयर कंप्रेस्ड, 1 बाई आर स्क्वेयर एक्सपेंडेड, तो 1 बाई आर स्क्वेयर कंप्रेस्ड क्या होगा 1 बाई 0.09 का स्क्वेयर, और 1 बाई आर स्क्वेयर एक्सपेंडेड क्या होगा 1 बाई 0.11 का स्क्वेयर और बाई 2, यहां से बताओ मेरे पास क्या आएगा 1 बाई, यहां से मेरे पास क्या आएगा 1 बाई आर स्क्वेयर आएगा ना, अरे बोलो भाई तो बताओ क्या आएगा 1 बाई आर स्क्वेयर, तो क्या करना आपने, अरे बोलो भाई, अरे एक बार और सारे को क्या, अरे सारे को 1 से भी सारे को भाई, अरे 1 तो कर रखा हमने ऊपर, एक बार 1 कहां से लिया है, नहीं आ गया आपको, अरे मैंने 1 यूज कर रखा ऑलरेडी यहां पर भाई, वो तो क्या हमारे पास, तो 1 बाई आर स्क्वेयर प्लस और बाई 2, तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी बताओ 1 बाई आर स्क्वेयर की, बताओ क्या आएगा हमारे पास 1 बाई आर स्क्वेयर, तो मेरे पास क्या आएगा 103.5, फिर आप आर कैसे निकालोगे इसको क्या करके रेसिप्रोकल और रूट, क्या भाई अरे क्या करो इसका रेसिप्रोकल और फिर क्या देखो भाई रूट करो, तो आर तो क्या है मेरे पास, यानी अगर मैं सिंपली ये आर ना पुट करके, मैं आर एवरेज ऐसे ना निकाल के कंप्रेस्ड बॉन्ड लेंथ के स्क्वेयर का रेसिप्रोकल प्लस एक्सपेंडेड बॉन्ड लेंथ के स्क्वेयर का रेसिप्रोकल जोड़ के दो से भाग करूंगा और तब मैं आर निकालता हूं, तो मेरे तो देखो कमाल की बात नहीं है, कंप्रेस्ड बॉन्ड लेंथ कंप्रेशन और एक्सपेंशन क्या बराबर, तो हम क्या मानेंगे आर एवरेज क्या नहीं चाहिए दोनों के बीच में भाई, लेकिन यहां पर दोनों के बीच में नहीं आएगी, बताओ क्या है मेरे पास एवरेज 0.098, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लिया डायटोमिक मॉलिक्यूल कैसे कंप्रेस और एक्सपेंड होता हो हार्मोनिकली, हम ये माने भाई कि हार्मोनिकली क्या करता है ये कंप्रेस और एक्सपेंड होता है, तो इसकी आर एवरेज घटी की बढ़ी 0.1 से,
तो पॉइंट ओ से क्या होगी, घटगी ना, तो बी की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए भाई, बढ़ जानी चाहिए। तो भाई हम तो क्या मानेंगे कि अगर मान लिया, हम क्या मानते इसको भाई, कि हाँ ये बॉन्ड क्या है, नॉन रिजिड, लेकिन कैसे है, हार्मोनिकली। तो भाई आर की वैल्यू घटने की बजाय क्या होगी, अरे बी की वैल्यू बढ़ गई भाई, भाई आर की वैल्यू क्या होगी, घटगी, आर की वैल्यू घटी तो बी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या था, बी की वैल्यू क्या हो रही है, घटे, उल्टा रिजल्ट ये है भाई। भाई एक्सपेरिमेंटली आपने क्या पाया था कि डायटोमिक मॉलिक्यूल के एक्चुअल स्पेक्ट्रा में दो सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन की स्पेसिंग लगातार क्या होती भाई, घटती ना। लेकिन अगर आपने क्या मान लिया, हार्मोनिक ऑसिलेटर, तब तो भाई बी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अगर बी की वैल्यू बढ़ेगी तो स्पेसिंग भी क्या होगी, बढ़ने, अरे भाई बढ़नी चाहिए थी ना, तो यानी कि उल्टा क्या है हमारे पास, उल्टा रिजल्ट। अरे भाई जब आपने क्या प्रूव किया था कि आर तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन हार्मोनिकली वाइब्रेट करता हूँ मानने पर, नॉन रिजिडिटी हार्मोनिक फैशन में इनकॉर्पोरेट करने पर आर क्या होता है, घटता है बजाय कि बढ़ने के। मतलब भाई ये मॉडल सही नहीं है। अब आपने तो क्या पढ़ना पड़ेगा, बोलो भाई, डायटोमिक नॉन रिजिड रोटेटर विद एन हार्मोनिक ऑसिलेशन। अब आपने क्या पढ़ना पड़ेगा भाई, डायटोमिक नॉन रिजिड रोटेटर विद एन हार्मोनिक ऑसिलेशन, और देखेंगे भाई क्या ये इस चीज को एक्सप्लेन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, बताओ कैसे। अब आप ही मानो भाई कि डायटोमिक मॉलिक्यूल मान ले क्या कर रहा है, एन हार्मोनिकल क्या कर रहा है, वाइब्रेट, यानी कि उसका भाई कंप्रेशन क्या है, कम, और एक्सपेंशन क्या है, ज्यादा। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, अब यहां पर नहीं है भाई, जो बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन होती है उसका यहां पर ब्रेकडाउन होएगा, क्या ब्रेकडाउन ऑफ बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन, जो किसमें होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में, क्या बोलती है वो भाई, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या बोलती है, कि आप टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम में कैसे निकाल सकते हो, उसकी इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशन और रोटेशनल जोड़ के, क्योंकि उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता। भाई बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या बोलती है, कि वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का आपस में, वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन का आपस में कोई किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं, दोनों ही क्या होते हैं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होते ना भाई, ये बोलती ना। अरे बोलो भाई, तो अगर मैं ये मान के चलूँ, अगर मैं मान के चलूँ, तो आप बताओ भाई, अगर मुझे किसी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर और रिजिड रोटेटर, कोई एन हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे रोटेट कर रहा हो, कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है जो ऑसिलेट कैसे करता है, हालांकि ये बात कैसी है, कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो ऑसिलेट कैसे कर रहा है एन हार्मोनिकली, और रोटेट कैसे कर रहा है एज रिजिड रोटेटर। आपको ये भाई कैसे पॉसिबल है, या तो क्या है, अरे भाई मैंने बोला अगर एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह वो ऑसिलेट कर रहा है, तो आपने बॉन्ड क्या बोल दिया, नॉन रिजिड, और मैंने क्या बोल दिया, वो रोटेट कैसे कर रहा है, रिजिड रोटेटर की तरह, तब आपने बॉन्ड क्या बोल दिया, बोलो भाई। लेकिन अगर ऐसा हो तो हम क्या मानेंगे कि भाई रोटेशन मोशन में और वाइब्रेशन मोशन में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो बताओ हमारे पास टोटल एनर्जी कैसे आएगी हमारे पास। तो भाई अब आपने लिखनी यहां पर टोटल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, तुम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, ई वी आर, ई सॉरी ई वी जे, ई वी जे मतलब क्या है, बोलो भाई, कि वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी, तो कैसे ही? हम क्या बोलेंगे, ई वी प्लस ई जे, और ध्यान रखियो भाई ये बेशक कैपिटल ई है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सेंटीमीटर इनवर्स में, किसमें, सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है बात। तो वो तो क्या है मेरे को, तो हम क्या बोलेंगे, ई वी क्या होती है, तो भाई एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, अगर कोई ऑसिलेटर ऑसिलेट नहीं कर रहा, नहीं, अगर कोई ऑसिलेटर भाई रोटेट नहीं कर रहा, तो उसकी एनर्जी बताओ क्या होती है हमारे पास, बताओ, वी प्लस हाफ ओमेगा ई, ये ओमेगा ई भाई एंगुलर वेलोसिटी नहीं, क्या है ये, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, ये सेंटीमीटर इनवर्स में क्या है, सेंटीमीटर, भाई ध्यान रखिए ओमेगा देखते बच्चे क्या बोलते हैं, क्या गया ये एंगुलर वेलोसिटी, भाई ये क्या है, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स में, तो वी प्लस हाफ ओमेगा ई, वी यहां पर क्या है, क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको पढ़ाया था ना,
अरे भाई मैंने आपको निपटा क्या ये वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, सॉरी हमने आपको क्वांटम पढ़ाया था ना कि हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, पढ़ाए थे ना भाई। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल्स आप कैसे निकाल सकते हो यूजिंग परटर्बेशन थ्योरी क्या? अरे भाई आप हार्मोनिक ऑसिलेटर के आपको वेव फंक्शन और एनर्जी पता होती है क्या? आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या कि वेव फंक्शन और एनर्जी मालूम होती है क्या? उन्हीं में कुरेक्शन करके हम क्या निकाल सकते हैं बोलो भाई? एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन और एनर्जी। तो एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी बताओ क्या है मेरे पास? वी प्लस हाफ ओमेगा ई, और माइनस बताओ क्या? वी प्लस हाफ स्क्वेयर ओमेगा ई एक्स ई, वी प्लस हाफ ओमेगा ई एक्स ई, जहां पर भाई एक्स ई क्या है? एन हार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट। तो ये किसकी एनर्जी है? किसी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। एक्स ई यहां पर क्या है? एक कॉन्स्टेंट। ओमेगा ई यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल। ये भाई काफी डिटेल्ड आएगा आपका, इससे अगला चैप्टर ही क्या आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। भाई इससे अगला आपका चैप्टर ही क्या है? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है बोलो भाई, ये क्या आपका माइक्रोवेव रोटेशनल, ये कौन सा हमारा माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं लेकिन माइक्रोवेव माइक्रोवेव्स के जरिए। बताओ आपको पहले पढ़ रही क्या है आपका माइक्रोवेव रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है तो बताओ भाई, तो ये एनर्जी लेवल किसके होते हैं? मैं ये कहूँ किसी एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के एनर्जी लेवल इससे आते हैं, आप वी की वैल्यू जीरो पुट करो क्या आ जाएगी? पहली वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी, वी की वैल्यू वन पुट करो अगली वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी, वी की वैल्यू टू पुट करो अगली वाइब्रेशनल स्टेट की एनर्जी। अरे बोलो भाई, अब मैं ये कहूँ कि मॉलिक्यूल रोटेट कैसे कर रहा है एज रिजिड रोटेटर, तो उसकी एनर्जी तो क्या है? तो आप बताओ भाई, तो वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल एनर्जी मेरे पास क्या आएगी? प्लस क्या भाई? प्लस बीजे इंटू जे प्लस वन आ गया ना भाई, बीजे इंटू जे प्लस वन, इजंट इट? तो ये तो क्या है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी, ये तो क्या है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और क्या है रिजिड रोटेटर की एनर्जी बीजे इंटू। हालांकि ये एक्सप्रेशन अपने आप में क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट्री। ये एक्सप्रेशन अपने आप में क्या भाई? कॉन्ट्राडिक्ट्री। कैसे? कि एन हार्मोनिक ऑसिलेटर डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑसिलेटिंग लाइक एन हार्मोनिक वाइब्रेटर एंड रोटेटिंग लाइक रिजिड रोटेटर। भाई ये बात पॉसिबल कैसे है? इजंट इट? लेकिन अगर मान लू भाई तो बताओ क्या होगा? तो वाइब्रेशन एनर्जी और क्या भाई रोटेशनल एनर्जी, दोनों क्या इंडिपेंडेंट है ना भाई, दोनों मैंने सिंपली जोड़ दी बस। आसान है कि मुश्किल है? लेकिन अब बताओ इनमें से बात ठीक कौन से में है? इसमें बात ठीक लगाई हमने भाई, जो आइडिया है मैंने इसमें ठीक लगाया है कि इसमें ठीक लगाया है बोलो भाई? यहां पर मैंने पूर्ण कैसा माना है? अभी मैंने आधे एक्सप्रेशन में क्या माना है? समझ बेटा क्या नहीं आया आपको? अभी मैंने आधे एक्सप्रेशन में क्या माना है? बॉन्ड कैसा है? नॉन रिजिड। और आधे में क्या मान रखा है? रिजिड। या तो पूरे में क्या मानू या पूरे में क्या मानू? नॉन रिजिड। अब अगर मैं भाई इसमें क्या मानू रिजिड, तो ये पॉसिबल नहीं होगा फिर ये। अगर मैंने इस पोर्शन की बात यहां लगा दी तो ये टर्म पॉसिबल नहीं होगी भाई। क्यों? क्योंकि रिजिड बॉन्ड भाई ऑसिलेट नहीं कर सकता। मतलब होना हो भाई, ये बात मुझे कहां अप्लाई करनी पड़ेगी? यहां पर, नहीं है आपको? और जैसे आपने क्या मानना कि भाई इसकी वाइब्रेशन कैसी होती है बोलो भाई? नॉन रिजिड। तो भाई ये चीज यहां पर रिफ्लेक्ट हो जानी चाहिए। बताओ भाई कहां पर? इसके अंदर। तो हमारे पास एक नई टर्म आ जाए, तो कौन से भाई? डी जे भाई आवाज बेंचेस बाद में सरका लिया करो। ठीक है बताओ, डी जे स्क्वेयर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वेयर, यानी कि भाई हमारे पास एक नई टर्म यहां पर ऐड होगी, डी जे स्क्वेयर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वेयर। तो बताओ, तो जैसे आपने भाई की बॉन्ड कैसा नॉन रिजिड ये बात आपने यहां पर मान ली, तो एक नई टर्म आ गई रोटेशनल टर्म। कौन सी टर्म आई है? रोटेशनल टर्म आई है, इजंट इट? तो हम क्या बोले बताओ? तो ये तो क्या हो गया एन, तो इसमें तो कोई फेरबदल होगा नहीं क्योंकि यहां पर तो आपने ऑलरेडी बॉन्ड क्या मान रखा था? नॉन रिजिड। लेकिन नॉन रिजिड मानते ही किस टर्म में सुधार आया है बोलो भाई?
अरे भाई रोटेशनल एनर्जी में, किसमें भाई? तो हम क्या बोलेंगे? तो वास्तव में सारे का सारा हमारे पास है, तो ये तो प्लस है और ये क्या है माइनस, तो हम क्या बोलेंगे कि ये तो हमारे पास क्या होगी फिर? तो जैसे जैसे भाई आपने इसको, भाई आपने इसको वेरिएशन प्रिंसिपल या पर्टर्बेशन थ्योरी से आपने इसको ट्रीट किया, तो आपने क्या माना भाई कि हाँ ऑसिलेशन कैसी है? एन हार्मोनिक। और रोटेशन भी कैसी है? नॉन रिजिड। कैसी भाई? नॉन रिजिड। तो ये बात मानते ही, दोनों बात कंसिडर करते ही, और जो हमारे पास क्या है टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन वो बदल गया भाई। जब तक आप बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन लगा रहे थे तो आपने टोटल एनर्जी कैसी थी बताओ, इसको और इसको सिंपली जोड़ के। लेकिन जैसे आपने भाई क्या कंसिडर किया बताओ भाई, कि बॉन्ड कैसा है नॉन रिजिड, तो रोटेशन में एक नई टर्म आ गई भाई। पर्टर्बेशन थ्योरी से या वेरिएशन मेथड से हमारे पास एक नई टर्म आ गई। तो हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इसमें एन हार्मोनिक पोर्शन हटा दूं, अगर इसमें 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 हम क्या हटा दें एन हार्मोनिक पोर्शन, तो इसका मतलब मेरे पास ये एनर्जी सिर्फ किसकी रह जाएगी? नॉन रिजिड रोटेटर की भाई। किसकी भाई? नॉन रिजिड रोटेटर की, इजंट इट? तो आपने बात देखी, रिजिड रोटेटर की एनर्जी क्या थी? बीजे इन टू जे प्लस वन। और नॉन रिजिड रोटेटर की एनर्जी क्या है मेरे पास? अरे भाई इसमें क्या होगा, माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर। और ये टर्म आई कब है? जब मैंने वाइब्रेशन कंसिडर किया, वाइब्रेशन को। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि ये टर्म भाई वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग से आई है। किससे भाई? किससे आई है? वाइब्रेशनल रोटेशनल इंटरेक्शन से। नहीं समझे बात? अरे भाई हम क्या बोल सकते हैं कि बताओ ये टर्म किससे आई है? वाइब्रेशनल रोटेशनल इंटरेक्शन से, इजंट इट? भाई क्योंकि अगर आप ये मानते ही ना कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, तो भाई फिर तो हमारे पास एनर्जी रहती ही रहती। ये मानने पर कि मॉलिक्यूल क्या करता है? वाइब्रेट करता है एन हार्मोनिकली, तभी तो एटम आई है। इसका मतलब होना हो मॉलिक्यूल की रोटेशनल मोशन बिना वाइब्रेशन के, मॉलिक्यूल की रोटेशनल मोशन ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। बिना वाइब्रेशन के मॉलिक्यूल की रोटेशनल मोशन ये एनर्जी प्रोवाइड करती है, बीजे इंटू जे प्लस वन। और वाइब्रेशन कंसिडर करते ही मॉलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी क्या होगी? यहां से लेके यहां तक। तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म आई वो किससे आई है? वाइब्रेशन का रोटेशन से इंटरेक्शन। तो इस टर्म को आप और क्या बोल सकते हो? अरे भाई ये क्या है, क्वेश्चन क्या ये? जैसे आप भाई, अरे भाई आप पर्टर्बेशन थ्योरी से क्या वन डायमेंशनल बॉक्स में आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नहीं की थी क्या? तो सिमिलरली भाई इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं इसके रिजिड रोटेटर के, कि उसमें क्या गई उनमें भाई, हर एक में क्या गई? करेक्शंस नहीं है क्या ये? ये क्या फर्स्ट ऑर्डर करेक्शंस? नहीं बात आपको पल्ले पड़ी? जहां पर डी क्या है कॉन्स्टेंट। तो ये टर्म बताओ क्या है? ये टर्म भाई ये क्या एनर्जी करेक्शन ही होगी? जैसे मान लिया मैं बोलूं कि अगर मान लिया कोई वन डायमेंशनल बॉक्स है, उसमें एनर्जी क्या होती है? आपको पता है एच स्क्वेयर बाई एट एम स्क्वेयर, फिर क्या होता है फोर एच स्क्वेयर बाई, अरे भाई एक यूनिट, चार यूनिट, नौ यूनिट, सोलह यूनिट, पच्चीस यूनिट, ये एनर्जी नहीं होती क्या? अब अगर मैं ये बोल दूं कि बताओ वहां पर क्या है, हमने क्या बोल दिया एक यूनिट, चार यूनिट, नौ यूनिट, मैं बोलूं भाई कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल क्या है V, तो सारी एनर्जीज क्या हो जाएंगी? V बाय टू बढ़ जाएंगी ना। अरे बोलो भाई, नहीं आएगा आपको? तो हमारे पास एनर्जी क्या हो जाएंगी? V बाय टू हो जाएंगी ना, V बाय, अरे भाई तो करेक्शन क्या है हमारे पास? एक यूनिट प्लस V बाय टू, एक यूनिट प्लस V बाय, नहीं मान लिया आधे बॉक्स में क्या है? अरे भाई हाँ वही तो था हमारे पास, मान लिया आधे बॉक्स में क्या है पोटेंशियल, तो हमारे पास क्या है करेक्शन? एक यूनिट प्लस वी बाई टू, चार यूनिट प्लस वी बाई टू आए थे हमारे पास। तो सिमिलरली मैं क्या बोलूँ बताओ, तो ये क्या कि मेरे पास, तो यानी कि हमारे पास इससे जो क्या बना करते हैं एनर्जी लेवल्स, उनमें क्या कि मेरे पास ये करेक्शंस, ठीक है बात? तो बताओ, अरे भाई रिजिड रोटेटर का एनर्जी फॉर्मूला किससे आता? इससे आता ना, जैसे आपने क्या माना कि बॉन्ड क्या है, अरे भैया आपने क्या माना कि मॉलिक्यूल कैसे रोटेट करता है? विदाउट वाइब्रेशन, विदाउट विदाउट एनी वाइब्रेशन मॉलिक्यूल क्या करता है? रोटेट करता है। तो एनर्जी होती है विद रिजिड बॉन्ड नो वाइब्रेशन, एनर्जी क्या होगी? होगी। फिर आपने क्या बोल दिया कि मॉलिक्यूल भाई
एन हार्मोनिकली वाइब्रेट करते हुए नॉन रिजिड बॉन्ड के साथ वाइब्रेट करता है, सॉरी रोटेट करता है, तो रोटेशन एनर्जी मेरे पास क्या होगी, होगी ना। तो ये टर्म कब आई है, जब आपने क्या कंसिडर किया है वाइब्रेशन को, एन हार भाई आपने एन हार्मोनिक वाइब्रेशन कंसिडर करते ही ये टर्म आ गई ना। तुम क्या बोलिए, ये टर्म किससे पक्की बात है कि मोना होमोलिक्यूल की रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी विदाउट वाइब्रेशन, रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी विदाउट वाइब्रेशन, रोटेशनल एनर्जी विद वाइब्रेशन। तो जो भी एक्स्ट्रा टर्म है वो क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग। तो जो भी हमारे पास क्या है एक्स्ट्रा टर्म वो क्या है मेरे पास, वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग। कि नहीं है भाई, तो बताओ मेरे पास क्या गया, बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गई कोरेक्शन। तो बताओ, तो इस एक्सप्रेशन को देख के बोलो भाई पहला कमेंट हम क्या कर सकते हो भाई, बताओ तो मेरे पास क्या है। तो मेरे पास ई जे, अब बताओ मेरे पास क्या है जे, तो एन हार्मोनिक, अरे भाई नॉन रिजिड रोटेटर की एनर्जी मेरे पास क्या ही है, बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वेयर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वेयर, ये है ना भाई। तो आप मुझे बताओ कि यहां से कुछ बात हो हमको भाई, अरे कुछ यहां से हमको भाई रिजल्ट मिल रहे हैं। पहली बात तो क्या मालूम पड़ गई हमको, कोई आपसे पूछ ले कि बताओ वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करती है कि डिस्टेबलाइज करती है। एक तो मॉलिक्यूल क्या है बिना वाइब्रेशन क्या कर रहा है भाई, जैसे आपको पता होगा ना एलएस कपलिंग सिस्टम को स्टेबलाइज भी कर सकती है और सिस्टम को डिस्टेबलाइज भी कर सकती है। अगर लेस देन हाफ फील्ड हो तो लोअर जी क्या लेके आता है स्टेबिलिटी, क्योंकि सिस्टम क्या होता है डिस्टेबलाइज। श्योम, अगर भाई मोर देन हाफ फील्ड तो क्या होता है हायर जी क्या लेके आता है, क्योंकि सिस्टम क्या होता है स्टेबलाइज। तो जैसे एलएस कपलिंग क्या करती है सिस्टम को स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज, तो सिमिलरली भाई, लेकिन यहां पर क्या होगा एलएस कपलिंग एलएस इंट्रैक्शन क्या करती है सिस्टम को स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फिगरेशन। लेस देन ऑफ फील्ड है डिस्टेबलाइज, मोर देन ऑफ फील्ड है स्टेबलाइज। लेकिन यहां पर आपने क्या पाया कि जो एनर्जी जहां थी वो घटगी कि बढ़गी, एनर्जी क्या घटगी ना। अगर मैं एक जे की वैल्यू जीरो पुट करो, नहीं चलो भाई पहला लोग तो वही होगा जे की वैल्यू जीरो पुट करो, अच्छा वो तो फॉर्मूला किसका है नॉन रिजिड का। अब वो तो यहां पर आप क्या लिखो रिजिड का, ताकि आप इनको सीधे कंपेयर कर सको। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा क्या आएगा, बी जे इंटू जे प्लस वन। ठीक है, एक काम करो भाई, आप डी की वैल्यू मान लो, आप 0.1 मान लो, डी की वैल्यू क्या मान लो 0.1। ठीक है, और बी की वैल्यू आप मान लो कितनी भाई, डी की वैल्यू आप क्या मान लो, डी मान लो आप 0.1 मान लो। ठीक है, ओके, और बी की वैल्यू आप बताओ क्या मान लो सिंपली 10, बी आप क्या मान लो भाई, हालांकि बहुत ज्यादा है लेकिन भाई अरे सिंपलिसिटी के लिए ठीक है बात। तो बताओ इसके लेवल्स कहाँ बनेंगे हमारे पास, इसका बताओ पैदा जे क्यू जीरो पर क्या आएगा जीरो बी, तो कहाँ पर आएगा जीरो बी। ठीक है, अब बी के लिए क्या है 10, तुम क्या बोलेंगे 20 सेंटीमीटर इनवर्स, इजंट इट। और यहां आप भाई बी की वैल्यू जीरो पुट करियो तो जीरो, और डी भी क्या है लेकिन जे क्या है जीरो, तो सारा क्या है हमारे पास ये जीरो आ गया ना, इजंट इट। अरे बोलो भाई, बताओ हमारे पास क्या है सारा ये, अरे भाई हमारे पास तो क्या सारा ये आ गया ना। तो बताओ ये भी बताओ कहां बनेगा, ये भी कहां बनेगा जीरो बी पे, सॉरी अरे जीरो बी, अरे जीरो आया भाई, तो ये भी क्या आएगा जीरो पे आएगा ना। ठीक है, ये दोनों क्या सीध में है। लेकिन अगला लेवल तुम क्या बोलेंगे, तुम क्या बोलेंगे कि एन हार्मोनिसिटी ऐड करने पर ग्राउंड लेवल, तो एन हार्मोनिसिटी ऐड करने पर जो डायटोमिक क्या है रोटेटर उसके ग्राउंड एनर्जी लेवल पर कोई असर नहीं पड़ा, वो जितना था उतना ही रहा। ठीक है बात, लेकिन अब आप यहां पर क्या पुट करियो भाई, बताओ वन पुट करियो, वन पुट करियो
जे वन निकालो, क्या आएगा यहां से? टू बी, टू बी मतलब बताओ क्या है? बोलो भाई, टू मतलब दो बी, बताओ 20 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन भाई यहां पर आपने जब क्या आएगा बताओ, बताओ टू बी 20 माइनस भी क्या आएगा? जे क्या पुट किया, वन पुट किया है, तो वन प्लस वन का स्क्वायर क्या होता है? वन, वन इंटू नहीं सॉरी, वन प्लस वन, टू का स्क्वायर क्या फोर हो गया ना, तो फोर इंटू वन का स्क्वायर वन हो गया, फोर हो गया, फोर इंटू पॉइंट वन कितना आ गया? 0.4, क्या 0.4 आया ना, क्या नहीं आया है? तो हम क्या बोल, ये बताओ, ये बताओ फिर कहां पर आएगा? तो ये इससे कितनी चाहिए बताओ भाई, तो ये 20 पे तो ये कहां पर आएगा 19 पॉइंट, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये लेवल कितना नीचे आ गया बताओ, 0.4 क्या स्टेबलाइज हुआ ना। तो यहां से आपको साफ बात पहले पड़ रही है कि हर एक रोटेशनल लेवल क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है ड्यू टू वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग। और ये टर्म ही क्या है, डी जे स्क्वायर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वायर क्या है वाइब्रे, क्योंकि भाई ये टर्म आई कब है, जब आपने क्या माननी है रोटेशन के साथ साथ वाइब्रेशन कंसिडर कर लेना, तो एकदम से टर्म आ गया हमारे पास। नहीं आपको है? और बताओ इसने क्या किया, इसने क्या किया, जो लेवल जहां था कहां था 20 सेंटीमीटर में उसे कहां ले आया ये 19.6। अगला बताओ भाई, अगला लेवल तो कहां आएगा हमारे पास क्या? अरे भाई क्या 6B क्या भाई? अरे 6B क्या आएगा? 60 सेंटीमीटर इनवर्स। अब यहां तो क्या हमारे पास भाई, यहां पर 60 तो यहां से आएगा ना, अब यहां पर आप 2 पुट करियो, 2 प्लस 1 का 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 9, 9 इंटू 9 इंटू 4 3.6। अरे भाई नहीं, 9 चौक 36 इंटू पॉइंट में आ गया 3.6। मतलब ये लेवल कहाँ आएगा बताओ, 60 से 3.6 नीचे, बताओ कितना आएगा 60 से 3.6 कितना नीचे होता है 56.4। वेरी गुड, तो ये 56.4, तो ये कितना नीचे आया बताओ, ये कितना नीचे आया था 0, ये कितना नीचे आया था 0.4, ये कितना नीचे आया है बोलो 3.6। तो आपने देखी कि जितना क्या होगा हायर जे उतना ही ज्यादा वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग क्या है उतनी ही भाई, ये वैल्यू क्या है 0.4 3.6 क्या है। तो क्या आपको बोल दे भाई, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड रोटेशनल स्टेट में कोई वाइब्रेशनल रोटेशन कपलिंग होती, बिल्कुल ठीक है ना भाई? भाई ग्राउंड रोटेशनल स्टेट में कोई वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग नहीं होती, क्यों? पहले भी लेवल कहाँ था 0 का, अभी कहाँ है 0 पे, लेकिन 1 में होगी ना भाई, 1 में कब, 1 का कितना नीचे आ गया 0.4। अगला पॉइंट 3 पॉइंट भाई, 60 पे लेवल था कहाँ पहुँच गया, 60 पे लेवल था कहाँ पहुँच गया 3.6 नीचे आ गया। अब अगला ये तो कहाँ पड़ेगा हमारे पास, बोलो भाई क्या है 6B ना, वो तो क्या है हमारे पास 12B। अरे भाई है ना 12B, यानी कि 120 सेंटीमीटर इनवर्स भाई आएगा ना। अब यहाँ बताओ क्या आएगा, तो यहाँ से क्या 12B, लेकिन भाई अब यहाँ पर आपने क्या पढ़ा 3 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9 कितना होता है 14 पॉइंट भाई 14 अरे भाई 144 होगा ना, तो 14.4। तो भाई अरे भाई आपने इसको, आपने 144 को भाई 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई 14.4। अब बताओ तो आप इसको माइनस करो भाई, बताओ तो 120 माइनस 14.4 बताओ क्या है हमारे पास, कैलकुलेटर देख लो निकाल लो 105.6 आ गया ना। तो ये कितना नीचे है बताओ भाई, बताओ सॉरी ये कितना है बताओ भाई 105.6, यानी कि भाई 14.4 इसके अंदर तो क्या है स्टेबलाइजेशन, इजंट इट। तो आप लोग देखिए भाई कि एक्सटेंट ऑफ स्टेबलाइजेशन, तो देखो, तो अगर आप देखो, आप देखो आपको ऐसा पैटर्न हमको भाई वहां भी देखने को मिला था कहां पर, जब हमने क्या किया था आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। भाई गौर करो, आप कहोगे लेवल्स तो तब भी नीचे जब क्या हुआ था
लेकिन आपने वो देखी थी भाई, अरे भाई जब आपने क्या किया था, आपने कार्बन 12 वाली सीओ को आपने क्या बना दिया था, कार्बन 13 वाली सीओ। तो कार्बन 12 के लेवल क्या थे, डाइवर्जिंग, कार्बन 13 के लेवल भी क्या थे, डाइवर्जिंग, है ना भाई। लेकिन कार्बन 12 के लेवल सेने वाली पीक्स क्या थी, इक्वल स्पेस्ड, और कार्बन 13 के लेवल सेने वाली पीक्स भी क्या थी, इक्वल स्पेस्ड। हालांकि स्पेसिंग क्या हो गई थी, घट गई थी। अरे बोलो भाई, क्या कार्बन 12 के लेवल्स में स्पेसिंग क्या थी, कॉन्स्टेंट, कार्बन 13 के स्पेक्ट्रल लाइंस में, अरे भाई कार्बन 12 के लेवल्स क्या थे, डाइवर्जिंग, यानी दो सक्सेसिव लेवल्स का गैप क्या था, लगातार बढ़ रहा था ना। अरे बोलो भाई, सिमिलरली कार्बन 13 के लेवल्स भी क्या थे, डाइवर्जिंग। लेकिन एक बात और थी, कार्बन 12 के लेवल्स एनुअल पिक्स क्या थी, इक्वली स्पेस्ड, और कार्बन 13 के लेवल्स एनुअल वाली पिक्स भी क्या थी, हालांकि वो मोर एंड मोर आपको लेफ्ट में नजर आई थी, लेकिन थे कि वह ठीक है, वो इक्वली स्पेस्ड। हालांकि स्पेसिंग क्या हो गई थी, कम, मान लिया कार्बन 12 की पिक्स क्या है, बोलो भाई, मान लिया कार्बन 12 की पिक्स क्या है, 5 सेंटीमीटर नोट से क्या है, सेपरेट, सॉरी, तो कार्बन 13 क्या थी, 5 से कम थी ना भाई, लेकिन स्पेसिंग थी क्या, कॉन्स्टेंट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा भाई, तुम क्या बोलेंगे भाई, आपको आपको क्या लग रहा है यहां पर कि लेवल्स तो यहां भी क्या है, डाइवर्जिंग, भाई गैप तो यहां भी क्या हो रहा है भाई, 0 से 19.9, 19.9 से 56.4, 56.4 से 105, भाई गैप तो यहां बढ़ रहा है। लेकिन भाई यहां पर जो पीक्स है ना, जो क्या होगी, स्पेसिंग होगी, वो कॉन्स्टेंट ना रहेगी, वो तो क्या होगी, वो घटेगी भाई, स्पेसिंग यहां पर क्या बताओ भाई, यहां पर स्पेसिंग लगातार क्या होगी, घटेगी, क्योंकि सिलेक्शन रूल्स यहां भी वही है, डेल्टा जे प्लस माइनस 1। तो आप बताओ इससे हमारे पास कैसा स्पेक्ट्रा आएगा, आप ये बताओ इससे हमारे पास बताओ कैसा स्पेक्ट्रा आएगा यहां से। तो हमारे पास तो ये किसके लेवल है, रिजिड रोटेटर के, ये किसके हैं, नॉन रिजिड के, नहीं क्या भाई, ये किसके हैं, और हमको भाई हमको एक्सप्लेन तो क्या करना, हमको एक्सप्लेन तो ये तो करना था कि सक्सेसिव लाइन्स की पीक, अरे भाई दो सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइन्स की स्पेसिंग लगातार क्या हो रही थी, घट रही थी ना, हम चेक कर रहे थे भाई कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। अब वो तो यहाँ से मेरे पास कैसा स्पेक्ट्रा आएगा, अच्छा इस लेवल से क्या स्पेक्ट्रा बनेगा, अब ये क्या है, वेव नंबर, तो ये कितने पे आएगा, 20, 40, 60, अरे भाई 20, 40, 60 कहाँ आएंगी पीक, 20 पे 40 पे और 60 पे, 20, 40, 60, क्या गैप रहेगा, 20, 20, बोलो भाई आ गया ना 20, 20, अरे बोलो भाई। लेकिन आप यहां पर देखो भाई, बताओ ये गैप कितना, तो पहली दो पीक्स का गैप कितना है, पहले दो लेवल्स में डेल्टा जे प्लस 1, बताओ 56, नहीं सॉरी, अरे पहली तो ये आएगी, बताओ बताओ ये कौन सी आएगी, तो पहली कहां पर आएगी, 19.6, तो यहां बताओ पहले कहां पर आएगी, 19.6 पे आएगी ना भाई, अभी यहां पहले कितने पे आएगी, 19.6 पे, अब अगली यहां बताओ कितनी पेगी, 56.4 माइनस 19.6, और चेक करियो, बोलो भाई 36.8, तो ये कितने पे है, 36.8, अगली बताओ कहां पर आएगी, तो अरे भाई ये क्या आगी दूसरी लाइन, ये क्या आगी हमारे पास तीसरी लाइन, बोलो भाई 49.2, अब आप एक बारी भाई गैप चेक करियो, बताओ 36.8 और 19.6 गैप क्या बताओ भाई, 36.8 17.2, अरे भाई यहां से पहली पिक कितनी हुई है, 19.6 पे, अगली 36. अगली 19.2 पे, अब आप तो यहां से हमने क्या बना ली पीक्स, अब आप दो सक्सेसिव पीक्स में, दो सक्सेसिव लेवल्स नहीं, अरे भाई सक्सेसिव लेवल्स के सेपरेट सिस्टम में क्या बना ली पीक्स, अब पीक्स की पोजीशन ऑप्शन क्या करो, सब्ट्रैक्ट, बताओ क्या मेरे पास ये गैप कितना आएगा, 17.2, और ये कितना आ रहा है बताओ, 12.4, सेवन, ये क्या था, और ये क्या था, 20, 20, अगला क्या रहेगा, 20, 20, 20, 20, 20, 20 के 30, 30 के, अरे बोलो भाई, अब बोलते यहाँ पर क्या है, 17.2,
12.4, अगला और कम, अगला और कम, अगला और कम, तो पिक्स क्यों बताओ भाई? तो आपने क्या पाया कि नॉन रिजिड रोटेटर की, बताओ पिक्स क्यों लगा था भाई? घटेंगे नहीं क्या? सॉरी, तुम क्या बोलेंगे? रिजिड रोटेटर की एनर्जी लेवल्स क्या होंगे? डाइवर्जिंग। इसके भी क्या होंगे? डाइवर्जिंग। लेकिन यहां से जो क्या होंगी, लाइन राइज होंगी डेल्टा जे प्लस माइनस वन से, उनके बीच में गैप क्या रहेगा? पीक्स में। इसकी पीक्स क्या होंगी? इक्वली स्पेस्ड। लस्सी प्रवीण थोड़ी लस्सी कम पी गया सुबह, अब बताओ तो बताओ, अरे यहां बताओ क्या बताओ पीक्स, बोलो भाई। इक्वली स्पेस्ड, लेकिन यहां से आने वाली स्पेक्ट्रल लाइंस का गैप क्या हो रहा है? ये कितने भाई? 19.6, 36.8, 49.2 गैप, 17.2, 12.4 अगला और कम। तो भाई और एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम में क्या होता लगातार भाई? एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रम लगातार क्या होता भाई? कन्वर्ज नहीं करते क्या? नहीं आएगा पसंद है? अरे बोलो भाई। तो क्या इस तरीके से ये वाला मॉडल इसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता, बताओ भाई? ये आपको पक्का पल्ले पड़ गया? अब तुम क्या बोलेंगे? हाँ भाई ये मॉडल क्या बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात आपको यहाँ पर और गौर करनी है, बताओ क्या? पहले तो ये आपको हो गया ना सारा, तो आपको ये बोल दे कि अगर हम रिजिड रोटेटर से हम कहाँ पहुँच जाएं, नॉन रिजिड रोटर के अंदर, मतलब अरे भाई हम रिजिड रोटर से हम क्या बना लें? नॉन रिजिड, ठीक है। तो आप ये बताओ कि स्पेक्ट्रल लाइंस क्या हो जाएंगी? इक्वली स्पेस्ड से कन्वर्जिंग, इक्वली स्पेस्ड से डाइवर्जिंग, इक्वली स्पेस्ड से इक्वली स्पेस्ड जाएंगी, सिर्फ गैप घट जाएगा कॉन्स्टेंट वाला नहीं, इक्वली स्पेस्ड से क्या हो जाएगा? कन्वर्जिंग हो जाएंगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई? और एक्सपेरिमेंटल क्या था याद करो, तो आप ही बताओ भाई। बिल्कुल शुरू में हमने क्या पढ़ाया था आपको? हमने बिल्कुल शुरू में आपको क्या पढ़ाया था कि भाई एक्चुअल स्पेक्ट्रा में दो सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस का गैप क्या होता लगातार कम हो रहा था ना भाई, और उसको भाई रिजिड रोटेटर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लेकिन क्या नॉन रिजिड रोटेटर का एनर्जी लेवल्स, क्या ये एनर्जी लेवल वाला फॉर्मूला इसको आसानी से प्रिडिक्ट कर पा रहा है क्या? ठीक है, वेरी गुड। आ गया आपको ये? अच्छा भाई, अच्छा ये जो डी है ना भाई, इसकी सिग्निफिकेंस आपको अभी बताएंगे। अच्छा ध्यान रखियो भाई, पहली बात तो बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई ये बताओ हमारे पास क्या है? सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ये क्या भाई? इसकी भाई आपको भी नहीं है सिग्निफिकेंस, आपको बताएंगे किस डी का यहाँ पर मीनिंग क्या है भाई, इस डी का यहाँ पर मीनिंग क्या आपको बताएंगे। मिटा दे इसको, अरे बोलो भाई। ओके ठीक है बात। अच्छा तो चलो ये तो आपको पल्ले पड़ गया भाई, तो आप ये बताओ नॉन रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? ई जे इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? बी जे इंटू जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वेयर इंटू जे प्लस वन का होल स्क्वेयर, ही होता ना। तो ये तो किसका फॉर्मूला है, ये तो किसका फॉर्मूला है? नहीं बताओ, ये बताओ किसका फॉर्मूला है नॉन रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स, और इसमें ये क्या है? वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग। जितनी ये टर्म क्या होगी? ज्यादा। और ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि लेस पॉजिटिव तो कम हो जाएगी, नहीं, अरे मोर नेगेटिव कम हो जाएगी ना। यहां पर माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि क्या होता है स्टेबलाइजेशन। नहीं बात आपको पहले पड़ी? तो माइनस साइन के अलावा आपने देखना है ये वाला पोर्शन अगर क्या है, अगर ये वाला पोर्शन ज्यादा, तुम क्या बोलेंगे कि वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग क्या है? ज्यादा है। और अगर ये वाला पोर्शन क्या है? कम आए, तो हम क्या बोलेंगे कि वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग कम है। समझ गए बात? तो आप तो अगर कोई आपसे कोई दो मॉलिक्यूल दे दे, ऐसा क्वेश्चन भाई आया वाईनेट के अंदर जून 2011 में, कि दो मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड कर दे और ये पूछ ले भाई बताओ इनमें से वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग ज्यादा कहाँ है, तो ये जहां पर ज्यादा आएगा, ठीक है बात, बोलो भाई वहां पर क्या आएगा? ज्यादा कपलिंग। अच्छा भाई ये जो डी होता है, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। अब आप ये कहोगे भाई कि इसकी सिग्निफिकेंस किस डी की, इस सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की भाई सिग्निफिकेंस क्या है? आप इसको ऐसे विजुलाइज कर सकते हो भाई, आप इस चीज़ को भाई ऐसे विजुलाइज कर सकते हो क
कि जितना आप क्या जाओगे हायर रोटेशनल स्टेट में, तो वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग क्या बताओ भाई, बढ़ेगी, इजंट इट? जितना आप कहां जाओगे हायर रोटेशनल स्टेट में, उतना ही वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग क्या होगी, बोलो भाई, बढ़ेगी, क्योंकि जे बढ़ने, अरे भाई जे बढ़ने से क्या होगा, ये टर्म बढ़ेगी नहीं क्या? और जितनी ज्यादा क्या होगी वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग, उतना ही इंटरप्लिनर सॉरी इंटरलाइन सेपरेशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए क्या होता है हम, अरे भाई हम क्या जाएंगे हायर जे वैल्यूज पे, तो स्पेसिंग क्या हो लगातार कम नहीं हो रही क्या? और आप कहोगे भाई हमने तो बात तो हमने आर ही करनी थी, हाँ आप कहोगे ना भाई हमने तो बात उसी करनी थी आर की, कि भाई आर कैसे बढ़ा था। अरे अब हम क्या बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ, नहीं तो कब बोलो पहले आप इसे बनाओ आप, ये तो भाई ये तो किसके लिए फॉर्मूला है, एनर्जी लेवल्स के लिए, ये तो फॉर्मूला किसके लिए है, एनर्जी लेवल्स के लिए, ठीक है बात। आपको ये बोल दे कि आप भाई फॉर्मूला बताओ पीक्स के लिए, तो पीक्स के लिए हम फॉर्मूला कैसे निकालते हो बताओ भाई, आप पीक्स के लिए फॉर्मूला कैसे निकालते हो स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए? भाई बहुत सिंपल होता है, हमको पता है ये ई जे है, तो क्या करना होता है ई जे प्लस वन माइनस, ई जे को माइनस कर देते भाई, ई जे प्लस माइनस भाई, क्योंकि सिलेक्शन रूल्स के डेल्टा जे प्लस माइनस वन, तो एक हायर जे लेवल की एनर्जी माइनस गिवन जे लेवल लोअर जे लेवल की एनर्जी, उनका डिफरेंस कर देंगे। तो एक बार आप यहाँ पर क्या पुट कर दो जे प्लस वन जे प्लस वन जे प्लस वन, अरे भाई हर जगह क्या ये क्या हो जा बी जे प्लस वन, इसको लिखो रेंट दो भाई, अरे यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर ई जे ये है तो ई जे प्लस वन बताओ क्या है मेरे पास, बी जे क्या हटा दो आर जे प्लस वन, और जे प्लस वन ही जाएगा ये, इस जे को किससे हटा दो हर जगह, तो मेरे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा ई जे प्लस वन, फिर ई जे प्लस वन वाले में से ई जे क्या कर दो माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या जाएगा दो सक्सेसिव जे लेवल किसके भाई, अगर मैं फिर मैं ई जे प्लस वन में से ई जे माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा दो सक्सेसिव जे लेवल्स, लेकिन किसके नॉन रिजिड रोटेटर के, उनका एनर्जी गैप आ जाएगा ना, अरे बोलो भाई हमारे पास वो तो क्या जाएगा दो सक्सेसिव, अरे बोलो भाई हमारे पास आ जाएगा दो सक्सेसिव, सोल नहीं क्या के कोई बात नहीं भैया, पे बताओ क्या आप इसको फिर आराम से मालूम कर सकते हो क्या, इजंट इट? तो पता ही क्या आएगा, अरे मैं आपको बताऊँ भैया पता क्या हमारे पास आएगा, ये आएगा 2b into j plus 1 minus 4d into j plus 1 का क्यूब, बताओ मेरे पास क्या आएगा ये, तो मेरे पास डेल्टा यानी डेल्टा न्यू बार j टू j plus 1 डेल्टा न्यू बार j टू, अरे दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल्स किसके नॉन रिजिड रोटेटर के, तो क्या है मेरे पास ये 2b into j plus 1 और माइनस 4d into j plus 1 का क्यूब ही आ जाएगा मेरे पास, नहीं है क्या? अच्छा ये बताओ तो जैसे आपने लेवल्स में क्या मालूम की थी डाउनवर्ड शिफ्ट, अरे भाई इससे बताओ क्या आते हैं हमारे पास, इससे मेरे पास क्या आती है, इससे क्या आते हैं हमारे पास एनर्जी लेवल्स रिजिड रोटेटर की आते हैं ना भाई, और इस सारे से क्या आते हैं एनर्जी लेवल्स नॉन रिजिड के, और इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि किसी नॉन रिजिड रोटेटर का कोई पर्टिकुलर लेवल अपने काउंटर पार्ट से कितना नीचे है, तो सिमिलरली 2b into j plus 1 से आपके पास क्या आते हैं स्पेक्ट्रल, अरे भाई j के लिए 0 1 2 2b 4b 6b 8b 10b, इससे मेरे पास क्या आती है स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल किसकी रिजिड रोटेटर की भाई, इससे मेरे पास क्या आती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस रिजिड रोटेटर की, और इस सारे से मेरे पास क्या आएंगी स्पेक्ट्रल लाइंस नॉन रिजिड रोटेटर की, ठीक है बात। और इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि किसी नॉन रिजिड रोटेटर की कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन अपने
रिजिड काउंटर पार्ट से कितना लेफ्ट वार्ड। भाई लेवल क्या होते हैं, डाउन वार्ड। पीक्स क्या होती हैं, लेफ्ट वार्ड। तो यहां से आपको क्या मालूम पड़ा था कि नॉन रिजिड रोटेटर के लेवल्स कितनी डाउन वार्ड शिफ्ट शो करेंगे अपने काउंटर पार्ट से। और इससे आपको तो क्या मालूम पड़ जाएगा कि भाई किसी नॉन रिजिड रोटेटर की स्पेक्टर लाइंस अपने काउंटर पार्ट से कितना लेफ्ट वार्ड आएंगी। नहीं आना आपको तो क्या आपसे यही पूछ ले कि बताओ भाई कौन सा फॉर्मूला होता है। तो ये पूछ ले कि नॉन रिजिड रोटेटर की स्पेक्टर लाइन अपने रिजिड काउंटर पार्ट से, समझे बात भाई, कितना लेफ्ट वार्ड आती है। तुम क्या बोलेंगे, 4d इंटू जे प्लस 1 का क्यूब। नहीं आगे आपको, पक्का मालूम पड़ गया आपको ये। और मैं चेक कर लूं भाई, ये हमने इससे लिखा होगा। अरे भाई आया कि नहीं आया बताओ, ये क्या है हमारे पास ये। हाँ बिल्कुल ठीक भैया, आसान है कि मुश्किल है, आ गया आपको ये। तो भाई इस तरीके से, पता नहीं, तो भाई इस तरीके से हम ये कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब भाई हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट की। अच्छा एक बात और, ये पता है डी की वैल्यू क्या होती है जो हमारे पास के सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन। अच्छा इसको आप एक बात करो, कैसा होता ये, ऐसे भाई पॉसिबल कैसे हुआ। अब आप इसको फिजिकली भाई इसको विजुलाइज करो, ऐसा क्यों होता होगा भाई, क्योंकि आपने बॉन्ड क्या मान लिया है, नॉन रिजिड। आपने बॉन्ड क्या मान लिया है, नॉन रिजिड। तो बॉन्ड को भाई नॉन रिजिड मानते ही, अरे बॉन्ड को भाई नॉन रिजिड मानते ही। अच्छा तो अगर मान लिया, आप ये बताओ, मान लिया ये एक हैंडल है और ये दो रोड हैं और ये हैंडल है भाई, ओके समझे बात भाई। अरे ये दो रोड हैं और ये दो क्या हैं, हैंडल। अब अगर दो लड़कियां भाई एक इस हैंडल को पकड़ ले ऐसे और दूसरी उस हैंडल को पकड़ ले ऐसे और वैसे घूमे, एक डांस होता ना भाई कीकली, भाई एक डांस होता कीकली है ना, उसमें दो लड़कियां ऐसे नहीं, एक हाथ ऐसे करती है दूसरे ऐसे करती है, फिर वैसे घूमती है, पता होगा ना आपको। अरे बोलो भाई, अरे भाई गानों में आता है ये है ना, तीज के ऊपर भाई, अब हरियाणा में भी डांस होता है, हरियाणा में भी ना तीज के ऊपर भरी है हमारा, अरे कल्चरल डांस होता ही है, बता नहीं भाई। तो बताओ अगर दो लड़कियां भाई एक लड़की इसको ऐसे पकड़ रही है दूसरी इसको ऐसे पकड़ रही है, तो जब वो घूमेंगी तो उनके सरों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी कि घटेगी, नहीं बढ़े भाई, क्योंकि ये क्या बताओ, ये प्योर, ये क्या है, ये रोड है, क्या है ये क्या है, रिजिड, क्या है ये रिजिड। अगर भाई वो दोनों लड़कियां भाई रफ्तार से घूमें चाहे वो स्लो घूमें, उनके सरों के बीच में दूरी नहीं बढ़ेगी, इजंट इट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, बता नहीं भाई, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर हमने दो स्प्रिंग लगा दी, क्या भाई मजबूत स्प्रिंग भाई, ओके ठीक है कल्टीवेटर वाले, ओके। अब बताओ भाई, अब एक लड़की इसको ऐसे पकड़ ले दूसरी इसको ऐसे पकड़ ले, अगर वो घूमना शुरू करेंगी तो आपको पता ना जब कोई चीज़ घूमती है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जर्ट करती है। आप एक धागे को भी, अगर मान ले हमारे पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है, हमारे पास कोई भाई लचीला क्या है, धागा, अगर उससे हमने कोई पत्थर बांध दिया, हम उसे घुमाएंगे तो क्या वो इलास्टिक स्ट्रिंग भाई एक्सपेंड नहीं कर जाएगी क्या, क्योंकि उसके ऊपर आउटवर्ड फोर्स लगती है। तो सिमिलरली भाई अब अगर ये बताओ क्या भाई ये इधर यहाँ पर दो क्या स्प्रिंग है, अब अगर ये दोनों भाई लड़कियाँ एक ऐसे पकड़ ले इसको एक ऐसे पकड़ ले और घूमना शुरू करेंगी तो क्या भाई उनमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट नहीं हुई क्या भाई, क्या ना वो नहीं बैठ, ये बैठ रहे हैं बताओ। तो भाई जब ये घूमना शुरू, अरे भाई और क्या बात है ना, नहीं तो भाई ये जब दोनों लड़के भी घूमना शुरू करेंगी तो क्या उनके सर तो क्या भाई दूर नहीं होंगे, इजंट इट, अरे बोलो भाई। और जितना ज्यादा रफ्तार से घूमेंगी उतना ही, क्योंकि आपको पता भाई जब वो घूमना शुरू, जब अरे भाई जब वो घूमना शुरू करेंगी तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी एग्जर्ट, जो उनको दूर दूर करना चाहेगी, इजंट इट। और जितना ज्यादा रफ्तार से घूमेंगी उतना ही ज्यादा क्या होगा भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगी, तो उनके सरों के बीच में दूरी क्या होगी लगातार भाई बढ़ेगी ना। और अगर स्प्रिंग कमजोर है
और वो बहुत रफ्तार से घूमने लगी, तो भाई उनका धड़ाका भी लग सकता है, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई स्प्रिंग क्या होगी, टूट जाएंगे। नहीं मैं तो आपको पले पड़ी क्या अच्छा बात आपको पले पड़ गई भाई। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, तो क्या सिमिलर बात यहां पर नहीं होगी भाई? तो इस सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन का मतलब क्या है भाई? इसका मीनिंग आप समझो कि क्योंकि अब हमने क्या मान लिया, बॉन्ड क्या मान लिया है, नॉन रिजिड। हमने बॉन्ड क्या मान लिया है, तो भाई एक यहां पर क्या आ गया, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन। क्या यहां पर भाई सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट यहां पर भाई है। नहीं बात आपको पले पड़ी? तो जितना ज्यादा बताओ क्या होगा, अरे भाई जितना ज्यादा बताओ क्या होगा, रोटेशन जितना ज्यादा क्या होगा, हायर लेवल में जाएंगे तो उतनी क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी ना। अरे भाई जितना ज्यादा क्या जाएंगे हायर लेवल में, उतना ज्यादा क्या भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ नहीं जाएगी क्या, और उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। और बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बी घटेगा भाई। बात आपको पहले पड़ी कि सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट की सिग्निफिकेंस क्या होती है, आगे नहीं आपको ये? वेरी गुड। अब बताओ भाई, चलो थोड़ा इसके बारे में और बात कर लेते हैं, इस डी का एक्सप्रेशन क्या होता है, बताओ भाई इस डी का बताओ भाई एक्सप्रेशन क्या होगा, एच क्यूब बाई 32 पाई क्यूब आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर के सी। बात आपको पहले पड़ गई। और इसका भाई एक फॉर्मूला ये भी होता है, 4 बी क्यूब पाई स्क्वेयर म्यू सी स्क्वेयर के। और भाई इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो भाई, 4 बी क्यूब बाई ओमेगा स्क्वेयर। क्या भाई? तो भाई अब बताओ, अब ये अरे भाई कोरिलेशन ये, अगर हम किसी तरीके से देखो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट के दो फायदे हैं, क्योंकि मान लिया आपको क्या पता, जब आप कोई स्पेक्ट्रल पीक रिकॉर्ड करते हो, अरे भाई जब आप स्पेक्ट्रल पीक रिकॉर्ड करते हो, अरे माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा में, तो आपको ये नहीं पता होता कि वो किन जे लेवल से अराइज हो रखी है। नहीं है क्या आपको भाई? जब आप स्पेक्ट्रल पीक क्या करते हो, अरे भाई जब आप स्पेक्ट्रल पीक देखते हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि ये स्पेक्ट्रल पीक किस जे लेवल से अराइज हुई है। वो तो हमने आपको बताया भाई कि बी की वैल्यू इतनी है। नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, ठीक है बात। लेकिन अगर मान लिया भाई, तो आप क्या करते हो, आप तीन पीक्स लेके क्या भाई, आप क्या करके भाई, तीन पीक्स कंसिडर करके, तीन ऑब्जर्व पीक्स, और उनको फिट करते हो इस इक्वेशन से, किससे भाई? अरे नहीं, अरे कौन सी जो था ना हमारे पास, कौन सा फॉर्मूला था, अरे ये जे प्लस वन क्यूब वाला, क्या भाई फिटिंग आपको होता है, फिटिंग क्या होती है, बिजली की फिटिंग नहीं। अरे बताओ भाई, अरे भाई आप क्या करते हो, हमको तीन पीक मिल गई, मान लिया हमने तीन पीक हमको हासिल होगी भाई, तो हम उन तीन पीक्स को इस इक्वेशन से फिट करने की ट्राई करते, समझ गए बात? तो हमारे पास यहां भी कुछ आएगा और हमारे पास यहां भी एक्सपेरिमेंटल कुछ वैल्यू आएंगी भाई, फिटिंग पैरामीटर आएंगे ना भाई, उन फिटिंग पैरामीटर से आप डी भी निकाल सकते हो, साथ में आप कहेंगे बताओ भाई हमारे पास रोटेशनल कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा, इजंट इट भाई? तो आप ये बताओ, तो आप अच्छा दूसरा बताओ क्या फायदा है, एक बार आपको भाई क्या बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट आपको मालूम पड़ गया भाई, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट आपको मालूम पड़ गया, इसका और क्या फायदा है, इसका एक्सप्रेशन क्या बताओ भाई, डी का फॉर्मूला क्या होता है, 4 बी क्यूब बाई ओमेगा बार स्क्वायर, ओमेगा बार स्क्वायर भाई, यानी अगर आपको बी पता और आपको डी पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, हालांकि इससे इतना एक्यूरेट आंसर नहीं आएगा भाई, ध्यान रखो हम इक्विलिब्रियम वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहां से निकालते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से भाई, ओमेगा ई हम कहां से निकालते हैं, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से, लेकिन भाई एक रफ एस्टिमेट आपको कहां से मिल जाएगा, यहां से, यानी अगर आप अरे भाई यानी कि सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट और इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आपस में ऐसे जुड़ी होती है भाई, नहीं आ गया आपको? तो भाई अगर मान लिया आपको सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कॉन्स्टेंट आपको मालूम है और बी आपको मालूम है, आप क्या निकाल सकते हो, इक्विलिब्रियम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, और अगर आपको ओमेगा पता है, अगर आपको ओमेगा मालूम है
तो सिंपल सी बात नहीं है, आप बताओ क्या सॉल्व कर सकते हो? और अगर आपको ओमेगा मालूम है तो ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 1/2πc √k/μ। तो उस मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मास यहाँ पुट कर दो, टू पता है, पाई पता है, सी पता है, ओमेगा ही पता है, तो क्या मालूम पड़ेगा, फोर्स कॉन्स्टेंट। और मैंने आपको पढ़ाया था भाई फोर्स कॉन्स्टेंट से आप बॉन्ड की मजबूती पे कमेंट कर सकते हो, इजंट इट? ज़्यादा फोर्स कॉन्स्टेंट मजबूत बॉन्ड, कम फोर्स कॉन्स्टेंट वीक बॉन्ड। तो फायदा है कि नहीं इसका, ना कौन है फायदा, है फायदा इसका कुछ? ये भाई अब ये भाई क्वेश्चन आ रखा है जून 2011 में। अच्छा एक बात और, तो आप बताओ भाई, तो भाई जून 2011 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, बताओ क्या क्या क्वेश्चन? ये कहता है टू मॉलिक्यूल्स एक्स, अरे भाई ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स है, एक्स एंड बी एक्स, दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये कहता है एक्स की एनर्जी क्या है, एक्स और बी एक्स की वाइब्रेशनल एनर्जीज क्या है? ये कहता भाई एक्स की और बी एक्स की बताओ वाइब्रेशनल एनर्जीज, और यहां क्या है रोटेशनल एनर्जीज, बताओ भाई क्या क्या बताओ, यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये क्या है 1000 और क्या है 400 सेंटीमीटर इनवर्स, और इनकी रोटेशनल एनर्जीज क्या है 10 और 40, मतलब एक्स मॉलिक्यूल के पास वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है 1000 और भाई रोटेशनल क्या है 10, और बी एक्स के पास 400 क्या है वाइब्रेशनल और 40 क्या है रोटेशनल। ठीक है बात, तो आप ये बताओ कि इनमें से वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग ज्यादा कहाँ होएगी? तो आपने क्या बताना भाई, यहां पर वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग किस केस में ज्यादा होगी? भाई यहां पर तीन ऑप्शन है, ये भाई चार नंबर में रखा पार्ट सी में, बोलो क्या है, बोलो क्या बताओ भाई। पहला ऑप्शन क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग इज हायर इन ए एक्स इज हायर इन बी एक्स, ये कहता बराबर है, हमको पता है बराबर सिर्फ कब होती है, बोलो भाई, अरे श्री कृष्ण की तरह बताओ भाई बराबर तो सिर्फ कब होती है, बोलो भाई ए, अरे भाई जब क्या हो जे जीरो में, कहां पर भाई तो बताओ क्या, और जे जीरो में नहीं है। और कहता नो वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग, भैया भी कब पॉसिबल है, जब क्या हो मॉलिक्यूल जे जीरो में, नहीं तो हर जगह क्या होती है वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग, बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आप बताओ भाई डी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है कि नॉन रिजिड रोटेटर का एनर्जी लेवल डायग्राम इस फॉर्मूले से बनता होगा, अरे भाई नॉन रिजिड रोटेटर का एनर्जी एनर्जी डायग्राम इससे आएगा ना हमारे पास, तो यहां पर डी क्या होता है, डी क्या होता है बताओ भाई, डी क्या होता है यहां पर बताइयो भाई, यहां क्या है बी जे इंटू जे प्लस वन, और माइनस क्या है डी जे स्क्वेयर इंटू सॉरी अरे 4b³ बाई ओमेगा ई स्क्वेयर, ये होता ना भाई डी के अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो कपलिंग यहां पर कौन सी होती है, तो ये किसका एनर्जी, ये किसका एनर्जी होता है रिजिड रोटेटर का, और ये सारा क्या है नॉन रिजिड का, मतलब ये टर्म किससे आती होती है वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग से, तो ये टर्म ज्यादा कब होगी बताओ भाई, जब जे क्या होगा ज्यादा, बोलो भाई, और ओमेगा क्या होना चाहिए कम, यानी कि भाई हमको पता है कि ज्यादा वाइब्रेशन, ये टर्म क्या होती है वाइब्रेशनल रोटेशनल कपलिंग, और ये टर्म ज्यादा कब बनेगी बताओ, जब जे ज्यादा हो और ओमेगा क्या बताओ भाई कम हो, इसका मतलब भाई वाइब्रेशनल एनर्जी कम होनी चाहिए मॉलिक्यूल के पास और रोटेशनल क्या होनी चाहिए ज्यादा, तभी क्या आएगी मोर कपलिंग। भाई ज्यादा कपलिंग कब आएगी, जब जे ज्यादा हो, यानी रोटेशनल एनर्जी क्या हो ज्यादा और वाइब्रेशनल क्या हो कम, नहीं आएगा आपको रोटेशनल एनर्जी ज्यादा हो और वाइब्रेशनल एनर्जी क्या हो भाई कम हो, तभी हमारे पास क्या आएगी ज्यादा कपलिंग। तो बताओ भाई आपको साफ दिख रहा है बीएक्स मॉलिक्यूल में एक्स के मुकाबले कम तो क्या है, याद रखियो वाइब्रेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन अच्छा इंटरेक्शन कब करेंगी, जो वाइब्रेशन हल्की हो और रोटेशन क्या हो फास्ट हो। तो यहां देखियो भाई बी एक्स में इसके मुकाबले
वाइब्रेशन भी क्या है, कम है, और रोटेशन क्या है, ज्यादा। मतलब दोनों ही फैक्टर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि बी एक्स में क्या होनी चाहिए, ज्यादा कपलिंग। और भाई ऐसा होता भी है, नहीं आ गया आपको तो क्या बताओ क्या होता है, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास? अरविंद, हाँ बी ऑप्शन, वेरी गुड। नहीं आ गया आपको ये? और बताओ भाई। अच्छा भाई ये बताओ, ये कहता है स्पेक्ट्रल लाइंस और स्पेक्ट्रल लाइन स्पेसिंग इन नॉन रिजिड रोटेटर। आप बताओ भाई किसी नॉन रिजिड रोटेटर में स्पेक्ट्रल लाइंस की स्पेसिंग कैसे बिहेव करेगी? ये कहता है इंक्रीज करेगी भाई लीनियरली ना, डिक्रीज, इंक्रीज नॉन लीनियरली। भाई तो दोनों गलत हैं, हमको पता है, हमको पता है भाई कि नॉन रिजिड रोटेटर में सक्सेसिव स्पेक्ट्रल लाइंस का गैप क्या होता है, घटता है, क्या होती है भाई, कन्वर्जिंग होती ना। तो कौन सा है हमारे पास? अगला क्या है, डिक्रीजिंग लीनियरली, भाई ये भी नहीं। अगला बताओ क्या है, डिक्रीजिंग नॉन लीनियरली, तो ये डी ऑप्शन है। आप वैसे कैसे, आप ये बताओ भाई, अरे भाई आपने काम करना है, आप एक काम करो भाई, भाई सिंपल सी बात है, बात है नहीं, आप एक काम करो, ये किसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर, डी ना भाई। हमारे पास आप ये बताओ नॉन रिजिड का हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, ये होता होगा ना एनर्जी फॉर्मूला, और सिलेक्शन रूल्स क्या होते हैं, डेल्टा जे प्लस माइनस वन, यानी एक बारी में यहाँ पर क्या पुट कर दूँ, जे प्लस वन जे प्लस वन जे प्लस वन जे प्लस वन, तो मेरे पास ई जे प्लस वन आ जाएगा ना, फिर उसमें से माइनस कर दूँ, मेरे पास क्या जाएगा, दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल्स का एनर्जी गैप। तो बताओ दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल्स किसके, दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल्स किसके भाई, नॉन रिजिड रोटेटर के, उनका एनर्जी गैप क्या होता है, डेल्टा न्यू बार। बताओ क्या होता है, जे टू जे प्लस वन क्या होता है, बताओ भाई, बताओ क्या होता है, क्या था हमारे पास, टू बी इंटू जे प्लस वन, और क्या था, माइनस फोर डी इंटू जे प्लस वन का क्यूब। अब भाई देखो भाई, आप यहां पर आर्बिट्रेरी नंबर यूज कर लो, क्या आप ये मानो कि 2b की वैल्यू 1000 है, सेंटीमीटर यूनिट्स नहीं, तो ये आपको पता भाई रोटेशन एनर्जी इतनी होती भाई, अरे यूनिट कम कर लियो, नहीं बात आपको पहले पड़ी, आपको 1000 तो भाई कहाँ पहुंच गया IR में, तो भाई आप मान लो भाई 1000 और को यूनिट मान लो, ठीक है बात, तो आप क्या मानो 2b क्या हमारे पास, आप क्या मानो 2b यहाँ पर क्या है, 1000 मान लो 2b मान लिया हमने, तो बताओ भाई, बताओ पहले आप बताओ भाई यहाँ पर हमारे पास पहली लाइन हमारे पास बताओ कहाँ आएगी, अगर ये ना होता तो बताओ लाइन कहाँ आती हमारे पास, 2b 1000 है तो हमारे पास पीक्स कहाँ आती, 1000 2000 3000 4000 5000 गैप क्या रहता हमारे पास 2b, अगर 2b 1000 है तो यहाँ पर जीरो पुट के कहेगा 2b 3b isn't it, अरे बोलो भाई सॉरी नहीं 2b 4b 6b 8b 10b 12b ऐसा है ना भाई, गैप क्या रहेगा, वैसे 2b रहेगा तो गैप क्या होता है, हजार होता है ना, हजार। तो अगर कोई ये बोले अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ स्पेसिंग का, किसका, अगर मैं रिजिड रोटेटर का मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई पहली दो लाइन से गैप क्या होगा, हजार, अगली का हजार, भाई 2b है तो गैप होगा, मैंने बोला 2b 1000 है, मैंने क्या बोल दिया 2b क्या है, 1000 है, तो यहां से पी कहां पर आएंगी, सिर्फ इस पोर्शन से पी कहां आएंगी, 2b 4b 6b 8b 10b 12b 14b 16b ऐसे ही ना भाई, तो दो सक्सेसिव लाइंस का गैप क्या आएगा, 2b रहेगा भाई, बुझा नहीं आपको भाई, तो क्या आएगा हमारे पास, 1000 1000 1000। तो आप बोलो भाई आप स्पेसिंग प्लॉट करो, तो बताओ भाई पहली दो लाइन स्पेसिंग क्या होगी, 1000, अगली की 1000 1000, तो कैसा ग्राफ आएगा, लीनियर स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी स्लोप। आपसे पूछ सकता है भाई कि बताओ डायटोमिक रिजिड रोटेटर का, कोई आपसे पूछ ले भाई बताओ में से कौन सा ग्राफ डायटोमिक रोटेटर की स्पेक्ट्रल लाइंस का स्पेसिंग बता रहा है, बोलो भाई ये बोल दे, ये है बताओ कौन सा भाई, ये वाला, क्यों पी कहां पर आएंगी, 2b 4b 6b 8b 10b
और बी की वैल्यू 500 है, तो कहाँ बन रही पीक? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, नहीं आया क्या? गैप करेगा 1000, 1000, 1000, तो कॉन्सेंट रहेगा गैप ही, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमारे पास कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन रिजिड, तो आप एक काम करो, बी टू टू भी मैंने क्या माना है, मैंने बी क्या मान लिया 500 यूनिट, तो टू भी क्या हो गया 1000 हो गया ना। तो वैसे ही 4D आप क्या मान लो, 4D आप एक मान लो, आप क्या मान लो 4D भाई, तो टू भी क्या मान लो यहाँ पर सिंपलिसिटी के लिए 1000, और 4D क्या मान लो एक, क्यों? अरे भाई मानो डी की वैल्यू मान लो आप क्या मान लो पॉइंट 0.25 है, डी की वैल्यू क्या मान लो 0.25 यूनिट, तो क्या हो गया, हो गया ना एक भाई। तो बताओ हमारे पास कहाँ कहाँ पर पीक आई हमारे पास, बताओ भाई बताओ। तो यहाँ बताओ पहली पीक कहाँ पर आएगी, जे की वैल्यू 0 पुट करियो, एक की, अरे बोलो भाई बताओ क्या है मेरे पास पहली पीक कहाँ पर आएगी, यहाँ पर ये टू भी कितना है, अरे भाई ये टू भी कितना है 1000 है, और ये कितना है एक है, तो जे वन पुट करियो, 0 पुट, जे 0 पुट, 0 वन आ गया, 1000 एकम 1000 माइनस एक कितना है बताओ 999 आ गया ना भाई। अब बताओ अगली वैल्यू कहां पर आएगी, अरे भाई वन पुट करियो, बताओ क्या भाई, अरे वन पुट करो, 1 1 2 बताओ क्या 2000, लेकिन 2000 माइनस क्या ये 1 और 1 का, बोलो भाई 2 का स्क्वायर 8 हो गया ना 1992 भाई, तो 1992 बताओ कहां पर आएगी 1992। अगला बताओ कहां पर आएगी, अगली पीक कहां पर आएगी बताओ अगली, अरे भाई वैसे पीक आनी थी इससे, बताओ पीक कहां पर आएंगी, 1000, 2000, 3000, 4000 ना भाई, आप सिर्फ ही देख लो कितनी लेफ्ट ओवर आएंगी। तो 0 पुट किया तो एक लेफ्ट, 2 पुट किया तो 4 लेफ्ट, नहीं अरे 8 लेफ्ट, और 3 पुट किया तो 3 और 1 4, 4 चौक 16 चौके भाई 64, तो 3000 माइनस 64 क्या होता है, 3000 माइनस 64 अरे 1000 2000 3000 में से आप क्या करो, 3000 में से क्या करो 64 माइनस करो, क्या है मेरे पास 2936। अरे भाई अरे मैंने क्या पुट किया भाई, भाई यहाँ पर 2 पुट किया तो हाँ सही बात है भाई, यहाँ पर क्या 999 आया है, एक हमारे पास क्या चेक करो, पर गुरु को हमने यहाँ पर यूट्यूब में 1000 माना है ठीक है, और मैंने 4D क्या माना है 1 माना है, 0 पुट किया हमारे पास एक घट गया 999, और भाई 2 पुट किया 1 पुट किया तो 1992 आ गए, तो ठीक है आ गया ना। अगला तो फिर क्या हमारे पास 2973 है भाई, 2973 अगला तो कहाँ पर आएगा 3936, ठीक है ना बात। तो ये हमारे पास क्या बताओ भाई पीक्स आ गई ना हमारे पास कि नहीं आ गई। अब आप इन आप भाई कम करो, इनमें गैप देखो, आप क्या करो भाई बताओ, पहला गैप बताओ कितना है, और बताओ अगला कहाँ पर, अगला कहाँ पर है, और क्या है 4875, अरे अगला कितना है 4875। अब एक काम करो, अब इसमें से माइनस करो, साइलेंस, इसमें से माइनस करियो ये, अरे भाई ये तो क्या होगी हमारे पास स्पेसिंग, हमारे पास ये होगी ना, इसमें से माइनस करो बताओ क्या आएगा 900, बोलो भाई 993 981 993 981 963, ये क्या होगा 993 981 963। अगला बताओ क्या है मेरे पास गैप 939, क्या है 939, नहीं आया क्या भाई, सिंपल सी बात है, मैंने स्पेक्ट्रल लाइन मालूम कर ली 999 1992। अब देखो ये बताओ गैप क्या होगा 993, ये गैप क्या होगा 981 963 939। अब अगर मैं इसको प्लॉट करूँ इस ग्राफ को भाई, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा,
भाई सिंपल सी बात, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो पहला पॉइंट है, तो बताइए भैया क्या है स्पेसिंग है ना, वो तो पहली स्पेसिंग क्या आएगी 993, आप क्या 993 भाई, अगली क्या 981, तो 993 से 981 कितना कम हो गया, 993 से 12 भाई, इजंट इट, तुम क्या बोलेंगे भाई यहां पर क्या है, बोलो भाई यहां पर क्या हमारे पास है भाई, यहां पर, अरे यहां पर 12 का यहां पर क्या डिक्रीज नहीं क्या एक स्टेप में, अरे बोलो भाई यहां पर क्या हमारे पास एक स्टेप में क्या हमारे पास भाई, यहां पर हमारे पास 12 क्या हो गई, कम हो गया ना, अब बताओ, अब 981 माइनस 963 18 भाई, इजंट इट, अब क्या 18 का, तो पहले स्टेप में क्या 12 का, तो पहले स्टेप में 12 का डिक्रीज है, अब अगर क्या होता लीनियर तो हर स्टेप में क्या होना चाहिए था, अरे भाई क्या होता अगर यहां से अपरान पे क्या 12 कट गया तो अगले में क्या होना चाहिए, अगर नहीं बेटा कोई, अगर ये क्या होता भाई लीनियर 993 से 981 12 का क्या है डिक्रीज, तो भाई अगर मैं कहूँ तो भाई लीनियर में क्या होता है स्लोप क्या रहता हमेशा सेम रहेगा, नहीं बता आपको पहले पड़ी, तो इसमें इसमें जो गैप होगा वही गैप क्या होना चाहिए इसमें, वही गैप क्या होना चाहिए इसमें, तो भी तो लाइन क्या आएगी पूरी तरह से स्ट्रेट, अभी क्या बताओ यहाँ पर पहले में क्या है, बोलो भाई पहले में क्या है 12 का, अगले में क्या बताओ भाई 18 का, अगले में क्या है 24 का, नहीं बता आपको पहले पड़ी गया, तो हर तो एक हमारे पास ग्राफ कहेगा पहले स्टेप में क्या है 12 डिक्रीज, अगले स्टेप में क्या है 18 डाउन, अगले में क्या है 24 डाउन, भाई पहले में क्या है 12 डाउन, अगले में क्या है 18 डाउन, अगले में क्या है, अगर हर एक में क्या होता 12 12 12 12 12 तो क्या होता भाई लीनियर, तुम क्या बोलेंगे कैसा ये नॉन लीनियर, तुम क्या बोलेंगे कि स्पेसिंग घटती तो है, तुम क्या बोलेंगे कि नॉन रिजिड रोटेटर की एनर्जी गैप क्या होते हैं भाई नॉन, अरे भाई नॉन रिजिड रोटेटर की स्पेक्ट्रल लेंस में गैप क्या होता है घटता है, लेकिन कैसे घटता है नॉन लीनियरली, नहीं आना आपको ये आसान है मुश्किल भाई, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तो ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।